जय माता दी। दोस्तों बाहर तो चल रही थी आगे की पूजा की तैयारी और अंदर हम गए थे मैया का श्रृंगार करने के लिए। हम चार लोग गए हुए थे मैया का श्रृंगार करने के लिए। पर्दा बंद करके हम अपनी मैया रानी को बहुत अच्छे से सजा रहे थे और बाहर कीर्तनों की धुन से सभी मगन हो रहे थे और सुबह से लगातार कीर्तन हो रहे हैं और दिन भर कीर्तन ही होंगे आज। तो मैया का श्रृंगार करने के बाद हम लोग बाहर आए और जो मैया को जो चढ़ाया गया था मेहंदी आलता सिंदूर वो सभी महिलाओं को जितनी भी थी बच्चे बूढ़े जितने भी थे सभी को प्रसाद के रूप में हमें बांटा चारों तरफ हमने। और उसके बाद जो है जब मैया का दरवाज़ा खुला तो सभी लोग मैया को देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। माता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो माता बहुत प्रसन्न हो गई हम लोगों से और मंद मंद मुस्कान से हम लोगों को निहार रही थी। यहाँ मैया के दर्शन करके और प्रसाद लेके पूजा वेदू को लेके चली गई अपनी फ्रेंड के घर क्योंकि आज उसकी बहन की शादी थी तो वो लोग चले गए। करूं मैं जी
धूमधाम से हमारा जो मंदिर है उसका उद्घाटन हो गया और मैया और शिवजी दोनों यहाँ पर स्थापित हो गए। तो उसके बाद आई थी जो डंगवाल मैडम हैं, जिन्होंने ये भूमि दान में दी थी, जिनकी ये पहले पूरी कॉलोनी होती हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो आंटी लोग हैं उन्होंने, सभी जो बड़े लोग हैं उन्होंने उनको सम्मानित किया शॉल उड़ाकर। सारे काम अच्छे से विधिपूर्वक करने के बाद कन्या जिमाई गई। भंडारे में सबसे पहले कन्याओं को जुमाया, क्योंकि माता रानी की असीम कृपा हम पूरे कॉलोनी वासी पर बनी रहे, इसके लिए माता रानी का आशीर्वाद हमें लेना बहुत ज़रूरी था। तो कन्या जुमाने के बाद सभी लोगों ने भंडारा किया और अच्छे से खाना खाया, और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि हमारी कॉलोनी में भी अब माता रानी स्थापित हो गई हैं, और माता रानी भगवान शिव शंकर अपनी कृपा दृष्टि हमारी पूरी कॉलोनी वासियों पर बनाए रखें, ऐसी मैं एक मंगल कामना करती हूँ। और गर्जोला आंटी और मुकुल भैया, आपकी भी भगवान माता रानी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें, और क्योंकि आज आपने इस भंडारे का आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके सभी परिवार मित्रगण, सभी सगे संबंधी सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।